बिहार में ट्रांसजेंडरों के लिए खुशखबरी, बिहार पुलिस में दरोगा और सिपाही पदों पर सीधे होगी नियुक्ति। किन्नरों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है, बिहार पुलिस में अब किन्नर समुदाय के लोगों की सीधी बहाली होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने संकल्प जारी कर किन्नरों को पिछड़ा वर्ग अनुसूचित दो में शामिल किया है। इसके तहत सिपाही या दरोगा की आगामी नियुक्ति में प्रत्येक 500 पदों पर एक किन्नर की सीधी नियुक्ति होगी। खबर के अनुसार सरकार ने पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सीवान, गोपालगंज और नवादा के 100 अंचलों में सर्वे कार्य शुरू किया है। पटना में 100 रुपए घूस ले रहा था दरोगा, एसपी ने रंगे हाथ पकड़ा, पुलिसकर्मी में मचा हड़कंप। बिहार में पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध वसूली किए जाने का मामला कोई नया नहीं है। अवैध वसूली का ताजा मामला राजधानी पटना के पटना सिटी इलाके का है। पटना के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने किला घाट के पास चौक थाना के दरोगा कन्हैया तिवारी तथा चालक नारायण यादव को बालू लदे ट्रैक्टरों से 100 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा। सिवान पहुंचे सांसद चिराग पासवान ने किया दावा, शराब पीने से हुई थी 3 लोगों की मौत। सिवान में 3 लोगों की संदिग्ध मौत को लेकर बिहार सरकार सीएम नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजन इसे जहरीली शराब से मौत बता रहे हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि बीमारी के चलते उनकी मौत हुई है। सप्ताह पहले कथित तौर पर सिवान में शराब पीने से 3 लोगों की मौत का मामला अब्दुल पकड़ता जा रहा है। जिला प्रशासन इन मौतों के लिए बीमारी की वजह बता रहा है। वहीं मृतकों के परिजनों का दावा है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। इसी बीच अब लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान सिवान के दरंदा थाना क्षेत्र के ढेवर गांव पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। चिराग पासवान ने कहा कि यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। पीड़ित परिवार वालों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। पुलिस जबरदस्ती बीमारी से मौत लिखवा कर क्या कहना चाहती है। शराबबंदी के बाद से गोपालगंज में 45 लोगों की जहरीली शराब से गई है जान, दर्जन भर शवों को दफना दिया गया। शराबबंदी के बाद जहरीली शराब पीने से गोपालगंज जिले में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें करीब 1 दर्जन लोगों की जान शराब पीने से गई है। परिजनों द्वारा शवों को दफना दिए जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। भागलपुर में थाने के चालक समेत 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत, नशीले पदार्थ के सेवन की आशंका। भागलपुर जिला के 4 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में विगत 2 दिनों के भीतर कुल 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने की आशंका जताई जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में हो रही चर्चा के अनुसार एक ही तरह के नशीले पदार्थ की सेवन से जान जाने की वजह बताई जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बिहार के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की गई, पिछले 18 दिनों में दूसरी बार किया गया सर्च। शिवहर डीएम के निर्देश पर रविवार की सुबह मंडल कारा में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान जेल के महिला और पुरुष वार्डों की तलाशी ली गई। हालांकि किसी भी वार्ड से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है। बिहार के कई जेलों में एक बार फिर से रविवार अहले सुबह छापेमारी की गई। होली से पहले कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए जेलों को सर्च किया गया है। छापेमारी के दौरान जेल से आपत्तिजनक सामान मिलने की सूचना है। पिछले 18 दिनों में प्रदेश में दूसरी बार जेलों में छापेमारी की गई। इससे पहले 24 फरवरी को प्रदेश के विभिन्न जेलों में सर्च अभियान चलाया गया था। विधान परिषद चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार संजय प्रसाद का संपर्क अभियान जारी। जम्मू में हुई एनडीए की बैठक विधान परिषद के चुनाव को लेकर की उम्मीदवारों ने लगातार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुंगेर सीट से जदयू के उम्मीदवार संजय प्रसाद लगातार संपर्क अभियान चला रहे हैं, एनडीए की बैठक में शामिल हुए। जिला कार्यालय जनता दल यूनाइटेड कर्पूरी सभागार जम्मू में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 1 दिवसीय बैठक हुई। एनडीए की बैठक में मुंगेर सीट से जदयू उम्मीदवार संजय प्रसाद शामिल हुए। वहीं पूर्व मंत्री व झाझा विधायक दामोदर रावत जदयू जिला अध्यक्ष, बीजेपी जिला अध्यक्ष, बीआईपी जिला अध्यक्ष, हम जिला अध्यक्ष, पशुपति पारस गुट जिला अध्यक्ष सहित सभी दल के प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकर्ता शामिल हुए। चिराग पासवान ने भागलपुर में गाय को खिलाया रोटी, गुड़ व चना भाजपा के लिए कही यह बड़ी बात। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई के सांसद 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर आए थे।
इस दौरान उनकी एक तस्वीर लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तस्वीर में चिराग पासवान गाय को रोटी चना और गुड़ खिलाते दिख रहे हैं। चिराग पासवान की गोभी भक्ति की सभी सराहना करते हैं। बता दें कि गो रक्षा की बात भाजपा के एजेंडे में रहती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के करीब माने जाते हैं। कलकत्ता में जहरीली शराब कांड वाले इलाके में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन उड़ाकर खोजी शराब। नालंदा में होली के मद्देनजर उत्पाद विभाग और शहरसराय थाना पुलिस ने जहरीली शराब कांड वाले छोटी पहाड़ी मोहल्ले में ड्रोन उड़ाकर शराब की खोज की। ड्रोन की तस्वीर से संदिग्ध स्थानों पर पहचान कर छापेमारी की गई। मुजफ्फरपुर में शराब पकड़ने के लिए 100 से अधिक जगहों पर ड्रोन से की गई कार्रवाई। होली में देसी या चुलाई शराब के किसी तरह की घटना को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट हो गई है। डीएम प्रवण कुमार ने आदेश जारी कर जिले के सभी शहर टोलों शराब के दृष्टिकोण से चिन्हित सभी क्षेत्र में 5 छापेमारी में बड़ी मात्रा में शराब की उपलब्धियां हासिल की है। जीवन को चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं तो कुछ लोग कारोबार का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन जब कारोबार दहशत वाला हो तो उसे आप क्या कहेंगे। आपको बताते हैं फर्जी लाइसेंस पर हथियार तस्करी का नया खुलासा। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। बक्सर जिले में दहशत के कारोबार से जुड़े 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी अपराधी हथियार तस्कर हैं और इनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में असलहे भी बरामद किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हथियार तस्करों का ये हाईटेक गिरोह फर्जी लाइसेंस भी निर्गत कराता था। फर्जी लाइसेंस के जरिए हथियार तस्करी का नया खुलासा होने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। पटना में मोकामा के गंगा नदी में डूबने से 3 छात्रों की मौत। 2 का शव बरामद, 3रे की तलाश जारी। बिहार की राजधानी पटना के मोकामा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गंगा नदी में नहाने गए 3 छात्र डूब गए। 2 का शव बरामद किया जा चुका है, जबकि 3रे की तलाश जारी है। मुजफ्फरपुर में गोप गुट द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नवनियुक्त शिक्षकों का किया गया अभिनंदन। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजन शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज उच्च विद्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रखंड के विभिन्न स्कूलों से आए नवनियुक्त टीईटी शिक्षकों का अभिनंदन किया गया। 4-5 दिनों में तेजी से बढ़ेगा पारा। होली तक 36 डिग्री तक पहुंचेगा दिन का तापमान। प्रदेश में पछुआ हवा के निरंतर प्रभाव बने होने के साथ तापमान में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। सुबह के समय हल्की ठंड व धूप निकलते हुए सूर्य के तलखे तेवर के कारण लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। भारत में कोविड-19 के मामलों में तेजी से गिरावट हो रही है। नए मामले भी कम हो रहे हैं। वहीं सक्रिय यानी एक्टिव मामलों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 3,116 मामले सामने आए हैं। देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.09% रह गई है, जबकि रिकवरी दर 98.7% तक पहुँच चुकी है।